पूरी वीडियो देखनी है, प्राइस मैं आपको सारा बता दूंगा। चाहे गोरखपुर से लो, चाहे गाजियाबाद से लो, चाहे झारखंड रांची से लो, चाहे पटना से लो, रेट एक ही रहेगा। आने के बाद जीएसटी लग गया, किराया लग गया, ये लग गया, वो लग गया, ढिकान लग गया, फलाना लग गया, वो चीज़ हमारे साथ नहीं होगा। अगर मशीन आपने कहीं से ले रखी है, रॉ मटेरियल की आपको दिक्कत आ रही है, तो वो भी हमारे पास आपको मिल जाएगा। अच्छा। आपको गड्डी बनानी है इसकी, इस टाइप से, जितने की आपको पैकिंग मार्केट में देनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, मार्केट में दिक्कत आ रही है, रॉ मटेरियल लेने में दिक्कत आ रही है, चलाने में दिक्कत आ रही है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ के बाद। दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य पांडे ब्लॉग्स। जी हां दोस्तों, अभी मैं एक गोडाउन में हूं और दोस्तों इनका खुद का फैक्ट्री है, जहां पे दोस्तों पेपर प्लेट और स्लीपर मेकिंग मशीन बनाया जाता है। दोस्तों हमारा डायरेक्ट गोडाउन से दिखाने का पर्पस ये है दोस्तों कि इनका अपना काम जो है बिहार, यूपी, झारखंड में भी होता है, बिहार में पटना में, यूपी में गोरखपुर में है, और झारखंड में रांची में इनका खुद का ब्रांच है। तो वहाँ से भी आप जुड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी मैं इनके हेड ऑफिस में आ गया हूँ और दोस्तों देखिए, ये इनका गोडाउन एरिया है। यहाँ पे आपको पेपर प्लेट, इसके अलावा स्लीपर मेकिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आखिर यहाँ से क्यों जुड़े, ये आपके भी मन में सवाल होगा। तो दोस्तों इनका खुद का फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जुड़ने से मतलब यही है कि आपको जो रेट होगा बाकी जगह से काफ़ी रिजनेबल प्राइस में दोस्तों मिलेगा। और आपको भी पता है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है बहुत ही कम पूंजी से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम पूंजी से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करके अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के ऑनर से मिलाएंगे, वो बताएंगे कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं घर से, तो कैसे कर सकते हैं। वीडियो में दोस्तों बने रहें। तो दोस्तों हमारे साथ है बाबा जी मशीनरी से। सर सबसे पहले बताएं कैसे हैं सर? बढ़िया एकदम सर, बिल्कुल। आज की इस वीडियो में दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में लोगों को कि अपनी ब्रांच यूपी, बिहार, झारखंड में भी है, बिल्कुल, लेकिन यहां से दिखाने का पर्पस क्या है सर, थोड़ा सा देखो। यहां पर दिखाने का पर्पस ये हमारा कि जैसे कि हमारा कोई, जैसे यहां का आसपास का जो राजस्थान का हो गया, पंजाब का हो गया, यहां पर आसपास कोई पड़ता है, बाकी तो जैसे कि हमारी गोरखपुर में ब्रांच है, अगर आपको वहां से पास पड़ता है, आपका कोई भी जिला है वहां से आपको अगर पास पड़ता है, मैं आपसे ये बोलूंगा 200 किलोमीटर भी है तो आप वहां सीधा वहां गोरखपुर जाइए, बिल्कुल। दिल्ली आने की आपको जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ पर क्या कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपने आमने आपके लिए वहां पर ब्रांच हर जगह खोल रखी है, जैसे अपना गोरखपुर हो गया, झारखंड रांची हो गया और पटना हो गया। जैसे अगर बिहार के बंदे हैं तो बिहार के बंदे वहां पर जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं, झारखंड के बंदे हैं तो झारखंड पटना में जा सकते हैं। एड्रेस जो है, एड्रेस मैं आपको बता दूंगा, जो चीज मैं आपको यहां दिखाऊंगा वही चीज आपको ब्रांच में मिलेगी हमारे। और जो भी अगर आपको माल चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हमारी ब्रांच में मिल जाएगा, जो मशीन चाहिए वो भी हमारी ब्रांच में मिल जाएगी। अगर 1% कस्टमर ज्यादा होता है, वो चीज नहीं मिल पाती, तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो, आपकी ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज्यादा बचने वाली है। बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में किस मशीन के बारे में बात देखिए, मशीन हमारे पास जो है आपको स्लीपर बनाने वाली मिल जाएगी, डोना पत्तल बनाने वाली मिल जाएगी, डोना पत्तल में क्रैंक मशीन मिल जाएगी आपको, एंगल में, चैनल में, बफर वाली, प्लेट वाली मशीन मिल जाएगी, हाइड्रोलिक मिल जाएगी आपको, और उसके साथ आपको अगरबत्ती, धूप बत्ती, रसगुल्ले, जैसी भी आपको मशीन चाहिए एक बार फोन करिए, सब बता दिया जाएगा। ओके, थोड़ा सा दिखाएंगे मशीन क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिखाता हूँ, चला के भी दिखाता हूँ कि मशीन कैसे चलती है। और खासियत बात एक चीज और, जो हमारी ब्रांचें हैं जो हमने खोल रखी है, ये ऐसी नहीं, देखो जो गाजियाबाद में हमारा हेड ऑफिस है, ये जो गाजियाबाद में दिल्ली एनसीआर लगता है, ये जो गाजियाबाद में हेड ऑफिस है, सबसे पहली बात इन मशीनों की भी और रॉ मटेरियल की भी। अच्छा, रॉ मटेरियल की भी, बिल्कुल आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? बिल्कुल खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए इतनी जगह जगह ब्रांच है। और आगे चल के हम ये और सोच रहे हैं कि आगे और ब्रांच खोलेंगे। सबसे कम से अगर हमारे व्यूअर चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करना, तो कितना पूंजी रहेगा सर? देखो जो सबसे कम में अगर मशीन आपको स्टार्ट करनी है, जो मशीन लेनी है सबसे कम में, हमारे पास 16,000 में मिलेगी। 16,000 में? बिल्कुल, चाहे यहाँ से लो, चाहे तुम गाजियाबाद से लो, चाहे गोरखपुर से लो, चाहे झारखंड रांची से लो, या पटना से लो, एक ही रेट रहेगा, 16,000 रुपए। बहुत बढ़िया सर। और ये नहीं है कि आप यहाँ पर आओगे, दिल्ली आओगे, 16,000 की मशीन खरीदोगे, ट्रांसपोर्टिंग लगाओगे, फिर आपके यहाँ पहुंचेगी या फिर तुम आओगे, तो ये मान के चलिए कि आपका इतना फायदा होने वाला है बहुत ज्यादा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, मार्केट में दिक्कत आ रही है, रॉ मटेरियल लेने में दिक्कत आ रही है, चलाने में दिक्कत आ रही है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा उस चीज के बाद। उसके बाद आती है हमारी सिंगल डाई डोना पत्तल मशीन। ये कितने की आती होगी भैया? ये सिंगल डाई डोना पत्तल जो मशीन है, इसका रेट मैं आपको आगे बताता हूँ कि कितने की आती है। मैं आपको पहले इससे चला के दिखाता हूँ कि चलती कैसे। अच्छा, ये लाइव चलाकर दिखाएंगे? बिल्कुल लाइव चला के दिखाता हूँ कि चलती कैसे। अच्छा, देखिए इसका सबसे पहले काम क्या होता है, बस खाली इसके पीछे जो देखो ये रोल लग रहा है, ये रोल, ये देखिए डाई इसके साथ आपको 6 इंची की मिलेगी मशीन के साथ ही, और ये स्टैंड मिलेगा आपको। अच्छा, हाँ ये स्टैंडिंग मशीन के साथ मिलेगा, बस खाली आपको कागज को इसके अंदर डालना होता है। ये कागज इसके अंदर डाला,
इतना सही काम है, इसके अंदर कोई ज्यादा काम नहीं है। अच्छा, इसके लिए तो अलग से बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ती होगी? नहीं नहीं, ये घरेलू बिजली से चलता है अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इसका लेवल बना दिया हमने, अब ये अपना ऑटोमेटिक अब कागज चलता रहेगा। ओके, तो इसको चालू करके दिखाएं थोड़ा। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है। ऑटोमेटिक मशीन है ना? फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, खाली बटन से चलाना होता है। जैसे वो दिखाई मैंने मैनुअल मशीन होती है, वो हाथ से चलानी पड़ेगी, ये हाथ से नहीं चलानी पड़ेगी। इसके लिए इसके लिए क्या करना होता है, जैसे ये हीटर होते हैं, हीटर मैंने गर्म करके छोड़ दिए थे, 10 से 15 मिनट ये आपको गर्म करने के लिए छोड़ने पड़ेंगे। अब जैसे मान के चलिए ये हमने चालू कर दिया, फैन चालू हमारा पीछे से हो गया। अब इसके बाद हम मोटर चालू कर देंगे अपनी, ये मशीन अपनी रन हो जाएगी चलनी अपने आप। कोई भी घर की महिला हो, बच्चे हो, कोई भी इसे चला सकता है। इसके लिए कुछ नहीं, बस खाली ये जो ऑपरेटर मैंने आपको बताया है ना, इसी से आपकी मशीन चलनी है केवल। अब इसके बाद क्या करना है, बस आपको गड्डी बनानी है इसकी, इस टाइप से, जितने की आपको पैकिंग मार्केट में देनी है उस पैकिंग से मार्केट में आप चला सकते हो। जैसे देखिए, अब ये गिनती करो और मार्केट में जान दो माल। बहुत बढ़िया, जैसे ये देख रहे हैं ये पैकेट बना हुआ है। अच्छा, इस टाइप से पैकेट बना के बेचा जाता है ना? बस ये पैकेट जैसे बनाया हमने, बेच दिया। इसके अंदर और एक खासियत है, इसके अंदर आप बफर भी बना सकते हैं। बफर भी बनेगा? हाँ, इसके अंदर आप बफर भी बना सकते हैं। इसके अंदर 3 इंची से लेके अपना 12 इंची तक की कोई सी भी डाई लगा सकते हैं। मतलब कि बड़ा प्लेट जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो भी बन जाएगा इससे, है वो भी इसके अंदर बन जाएगा आपका। ये नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होगी, कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चलेगा आपका। ये हो गई हमारी सिंगल डाई मशीन। इसके बाद आती है हमारी डबल डाई मशीन। ये देख रहे हैं, ये डबल डाई मशीन है, अभी तैयार हो रही है हमारी। ये डबल डाई मशीन है, ये हमारी अभी तैयार हो रही है। इसके साथ ही सिंगल डाई में, जैसे सिंगल डाई अभी मैंने आपको दिखाई है, ये सिंगल डाई में ही डबल डाई है। अच्छा, ये डबल डाई है? हाँ, सिंगल डाई में ही डबल डाई है। अच्छा, देखने में लग रहा है ये सिंगल डाई है, लेकिन है ये डबल डाई है। बिल्कुल है ये डबल डाई। क्या होगी भैया इसकी खासियत? ये होगी जैसे कि उसमें एक टाइम पे एक निकल रहा है, इसमें 2 टाइम पे 2 निकलेंगे। बिजली की खपत भी आपकी कम होगी, बिजली खपत कम होगी, जो लेबर होगी उसका भी पैसा एक का ही लगेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब कि ये कुछ अलग ही आपने बनाया है ना? बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग है। इसके अंदर आप 8 इंची तक की 2 डाई चला सकते हैं। 8 इंची तक 2? हाँ। और अगर 8 से ज्यादा रहेगा तो? अगर 8 से ज्यादा रहेगा तो फिर सिंगल होगा, बस खाली ये आपका खुल जाएगा, इसके अंदर दूसरी डाई आपकी फिट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आपको मैं एक मशीन और दिखाता हूँ। ये मशीन है हमारा बच्चा मशीन। बच्चा? हाँ, हम इसे बच्चा मशीन बोलते हैं क्योंकि उससे थोड़ी हाइट छोटी है और इसके रूले छोटे हैं। इसके अंदर ये ऑटोमेटिक मशीन होती है, बच्चा मशीन बोलते हैं इसको। फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, जैसे कि किसी का बजट कम है और ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, मैनुअल नहीं चला सकता। बहुत तो उसके लिए हमने बहुत ही कम बजट में ये मशीन निकाली है। ये मतलब कि आपने खुद बनाया है? बिल्कुल सर, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और हर जगह आपको ये चीज़ें मिलेंगी, जितनी भी हमारी ब्रांचें हैं, झारखंड, पटना, अपना गोरखपुर और यहाँ अपना गाजियाबाद में हेड ब्रांच है ही। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद हम मशीन बनाते हैं। इसमें 3 इंची से लेके अपना 9 इंची तक कोई सी भी डाई लगा दो। बहुत बढ़िया। कितना प्राइस इसका पड़ेगा भैया? प्राइस मैं आपको लास्ट में बताता हूँ सारी मशीनों के, पहले और मशीनें दिखाता हूँ। अच्छा, लास्ट में आपको दिखाएंगे। अच्छा, सारा, हाँ, पूरी वीडियो देखनी है, प्राइस मैं आपको सारा बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक। अच्छा, इसके बारे में बताएं जरा। बिल्कुल, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्लीपर मशीन। स्लीपर की अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कितना से कर लेंगे भैया? देखिए, स्लीपर अभी मैंने आपको डोना पत्तल दिखाया शुरू से लेके एंड तक का। जैसी भी आपको मशीन चाहिए वो मशीन आपको हमारे पास मिल जाएगी। अब मैं शुरू से लेके एंड तक आपको मतलब अब मैं आपको बताता हूँ कि अपनी चप्पल वाली मशीन कितने से शुरू हो जाती है। कितने से शुरू हो जाती है चप्पल वाली मशीन? के लिए आपको सबसे बड़ा फायदा यह हो जाएगा कि हमारा खुद का सीट का प्लांट है। सीट का खुद का प्लांट है? खुद का प्लांट है। बिल्कुल, जितना भी है स्लीपर का खुद का हमारा प्लांट है, सीटों का हमारा खुद का प्लांट है। और इतना भी कि नहीं कि आपको अगर बनी हुई चप्पल चाहिए तो वो भी आपको हमारे पास मिल जाएगी। बिल्कुल, होलसेल के अंदर में। बिल्कुल, तो ये चीज के ध्यान रखें। और ये अगर कई लोग का बजट कम है तो चप्पल का खुद का यहाँ से होलसेल में लेकर उसको बिजनेस कर सकते हैं, या फिर मशीन लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये हाइड्रोलिक मशीन है अपनी, ये चप्पल बनाने वाली हाइड्रोलिक मशीन होती है। इसको मैं चला के दिखाता हूँ। ज्यादा लंबा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा ही दिखाऊंगा प्रोसेस, क्योंकि ज्यादा लंबा दिखाऊंगा तो वीडियो और लंबी होती चली जाएगी तुम्हारी। बिल्कुल। जैसे देखिए, ये हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है, ये हमारी पावर प्रेस मशीन होती है। ये 15 टन में पावर प्रेस मशीन है। अच्छा, ये भी होती, ये 3000 जोड़े निकालती है एक दिन में। 3000 जोड़े एक दिन में? एक दिन में 3000 जोड़े। और वो जो है हाइड्रोलिक मशीन, वो 1500 जोड़े निकालती है एक दिन में।
अब जैसे कि अगर किसी का बजट कम है हमारे भाई का, अगर उसे मैनुअल मशीन चाहिए, जैसे डोने पत्तल में मैनुअल मशीन दिखाई मैंने आपको, ये अपनी चप्पल बनाने वाली मैनुअल मशीन होती है, ये सब की प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जो है खाली मात्र 15,000 रुपए। 15,000 से शुरू हो जाएगा, है ना? 15,000 से शुरू हो जाएगा। ये स्प्रिंग वाली मशीन होती है, इसके साथ एक बैरिंग घुस वाली आती है मशीन। जो बैरिंग घुस वाली है वो आपको 20,000 में मिलेगी केवल, चाहे गोरखपुर से लो, चाहे गाजियाबाद से लो, चाहे झारखंड रांची से लो, चाहे पटना से लो, रेट एक ही रहेगा। सबसे बड़ी चीज बार बार बता रहा हूँ कि आपकी ट्रांसपोर्टिंग और आपका किराया और आपका टाइम सब बचने वाला है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप इसको भैया को बोलेंगे लाइव चलाकर दिखाने के लिए कि किस तरह से ये वर्क करती है और कैसे घर की महिलाएं भी इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो घर की महिला हो चाहे बच्चे हो कोई भी हो, बहुत आराम से इसे चला सकता है। पावर प्रेस को तो एक बार को नहीं चला सकता, पावर प्रेस के लिए लड़का ऐसा ही चाहिए जो इस काम को करता हो पहले से, लेकिन इसे कोई भी चला सकता है। कैसे चलती है देखिए, इसमें जो है 2 HP की मोटर होती है, मोटर के बारे में बता दूंगा मैं आपको अभी। इसको क्या करना होता है, बस खाली तार लगाइए अपने घर की बिजली से, घर की बिजली से, केवल घर की बिजली से। मशीन आपकी चालू हो गई है, कोई साउंड नहीं होता इसके अंदर कि कोई साउंड हो, कोई साउंड नहीं होता है। और ये भी नहीं कि खट खट कुछ करेगी, देखो कितने आराम से चलती है। ये देखो ये इसका होता है रॉ मटेरियल, ये मैंने डाई लगाई, ये ऐसे डाई लगेगी इसके अंदर, और खाली जो लीवर देख रहे हैं इसको नीचे करेंगे, मशीन नीचे आएगी। वाओ, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, ये आपकी कटिंग हो चुकी है। बहुत बढ़िया। अब इसे हम लीवर को ऊपर कर देंगे, मशीन ऊपर जाएगी, अपनी चप्पल इसमें से हम निकाल देंगे, ये चप्पल हमारी निकाल कर रेडी हो गई है ना। बिल्कुल। इसमें अब जो अब इसके अंदर क्या है, हमें बस खाली फीता डालेंगे और साइड में ग्राइंडिंग करेंगे। साइड में जो ग्राइंडिंग होती है हमारी फिनिशिंग के लिए होती है। इसके लिए ग्राइंडिंग के लिए क्या होता है, अपना ग्राइंडर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ग्राइंडर देख रहे हैं, ये फिनिशिंग के लिए ग्राइंडर होता है हमारा। अच्छा, ये सभी मशीन आप ही के? हाँ, ये सब मशीन का सेटअप आएगा आपका, सारा कुछ हमारे पास होता है। स्कैबर पैक करने वाली मशीन हो गई, रबड़ के छल्ले बनाने वाली मशीन हो गई, बहुत ही मशीन होती है हमारे पास, अलग अलग टाइप की होती है। जैसे देखिए चप्पल हमारी बनके तैयार हो गई, ये होते हैं हमारी स्ट्रेप। आपको रबड़ की स्ट्रेप चाहिए, रबड़ की पीवीसी चाहिए, पीवीसी जैसी आपको स्ट्रेप चाहिए। अगर मशीन आपने कहीं से ले रखी है, रॉ मटेरियल की आपको दिक्कत आ रही है, तो वो भी हमारे पास आपको मिल जाएगा। अच्छा, रॉ मटेरियल भी मिलेगा, है ना? जो भी चाहिए, ये नहीं है कि हम मशीन दे रहे हैं तो रॉ मटेरियल आपको नहीं देंगे। अगर आप कहीं से लेके आए हैं, रॉ मटेरियल की आपको दिक्कत आ रही है और आपको मिला नहीं है कहीं से, तब भी हम आपको देंगे रॉ मटेरियल। और इतनी बात और कि रॉ मटेरियल जैसा आपको चाहिए, जिस प्रकार में आपको चाहिए, हमारी खुद की खुद का प्लांट है, हम आपको जैसा चाहिए वैसा बना के देंगे। बहुत बढ़िया। चप्पल कट के तैयार हो गई आपकी, इसमें फिनिशिंग करनी होती है। बंदा जब आता है हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। ये मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा, इसलिए ज्यादा कुछ करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज दिखा दी है आपको। देखिए इसके अंदर बस खाली इसको ऐसे डालेंगे, ये डल गया। अब ये चप्पल जैसे लेफ्ट की है हमारी, जैसे इस पे लिखा हुआ है R माने राइट और L माने लेफ्ट, ये हमारी लेफ्ट की चप्पल है। अब इसमें कैसे डालेंगे हम, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। हम इसे आधा लगाएंगे इसके अंदर, ये पैर से दबाएंगे, ये दबा, ये अंदर, बिल्कुल कोई ज्यादा मेहनत नहीं, अच्छा, कुछ इसी नहीं, तरह सभी में करेंगे, है ना? बस इसी तरह इसके अंदर हम ऐसे डाल देंगे, ये इसके अंदर चलेगा। वाओ, बहुत कमाल की मशीन है और बहुत छोटी सी। ये 10x10 के कमरे में आपकी आराम से चलेगी। इसके लिए आपको कोई ज्यादा जगह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये आपकी चप्पल ऐसे बनके रेडी हो जाएगी बिल्कुल। और ये मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो गई? जी, मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो गई है। इसके अंदर सिलिकॉन लगा के, चमक लगा के, अपने डब्बे में पैक करना है डब्बे में पैक कर सकते हो। जैसे डब्बा मैं आपको दिखाता हूँ, डब्बा इस प्रकार का होता है। अच्छा, ये डब्बा कहाँ से मिलेगा सर? ये सब डब्बा अगर आप बनवा सकते हो अपनी तरफ, तो अपने आप बनवा सकते हो, सैंपल मैं आपको दे दूंगा ये। और बाकी अगर डब्बा आपके यहाँ अगर नहीं बनता है तो आप मेरे से ले सकते हैं। अच्छा, आप ये भी दे देंगे? बिल्कुल, हमारे पास ही मिल जाएगा आपको ये। बहुत बढ़िया। अब देखिए मैंने आपको सारी चीज दिखा दी है, अब मैं करता हूँ प्राइस की बात कि ये कितने की है, और मैनुअल तो मैंने आपको बता ही दिया, डोना पत्तल की मैनुअल कितने की आती है, और अपना चप्पल वाली कितने की आती है। आप देख रहे हैं ये बच्चा मशीन जो मैंने आपको बाहर दिखाई थी, वो जाने के लिए रेडी है, अभी रेडी हो रही है। अच्छा, ठीक है, ये बच्चा मशीन है हमारी, जो ये बच्चा मशीन है। हाँ, ये बच्चा मशीन जो है, जो मैंने आपको बताया था, जिसका बजट कम होता है, जो डोना पत्तल का काम करना है किसी को, अगर किसी का बजट कम है, ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, लेकिन इसमें 3 इंची से लेकर केवल 9 इंची तक की डाई आपकी लग सकती है। बिल्कुल, हाँ, इससे ऊपर डाई नहीं लगेगी इसके अंदर। इसका जो प्राइस है आपका
मात्र 28,000 रुपए। अच्छा, ये मात्र 28,000 को मिलेगा, है ना? बिल्कुल, ये मात्र 28,000 रुपए में, और यहाँ पर भी, गाजियाबाद के अंदर भी, गोरखपुर के अंदर भी, पटना के अंदर भी, और झारखंड रांची के अंदर भी, सभी जगह एक ही रेट रहेगा, है ना? एक ही रेट रहेगा। सबसे पहले बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि आपकी ट्रांसपोर्टिंग और आपका टाइम और आपका पैसा सब बचने वाला है। बहुत बढ़िया। इसके बाद सर, इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ चप्पल वाली जो हाइड्रोलिक मशीन बताई थी, दिखाइए आपको चला के, जो हाइड्रोलिक मशीन है ये मात्र आपको 60,000 रुपए की मिल जाएगी फुल सेटअप के साथ। फुल सेटअप के साथ 60,000 रुपए की मिल जाएगी आपको। और सबसे बड़ी बात देखो, फुल सेटअप में क्या क्या आएगा, 10 डाई आएंगी ऐसी आपकी, एक गलेंडर आएगा और एक टेबल आएगी ऐसी जिसपे मैंने आपको स्ट्रिप डाल के दिखाई है, और इसके साथ आपको 150 जोड़ी का रॉ मटेरियल फ्री। 150 जोड़ी का रॉ मटेरियल फ्री दे रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये वीडियो में बोल रहे हैं, देना पड़ेगा सर? जी बिल्कुल दूंगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद, इसके बाद आती है हमारी सिंगल डाई मशीन, जो अभी मैंने आपको चला के दिखाई थी, प्लेट वाली सिंगल डाई जो मशीन चला के दिखाई थी, ऑटोमेटिक। इसके अंदर 3 इंची से लेके 12 इंची तक अपनी डाई लगा सकते हैं। ये मात्र आपको 40,000 में मिलेगी। 40,000 में 3 इंची से लेकर 12 इंची तक आप इसमें डाई लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो डाई मिलेगी आपको खाली 6 इंची की डाई मिलेगी, बाकी अलग से लेना होगा। बाकी आपको अलग से लेनी पड़ेगी। जो आप मशीन देख रहे हैं मात्र 40,000 में हैवी ड्यूटी के साथ, मशीन की हमारी पास जो भी गारंटी होगी, मशीन की लाइफ टाइम गारंटी होगी, मोटर की 1 साल की होगी। अच्छा, मोटर की 1 साल की गारंटी होगी, मशीन अगर कभी भी खराब होता है तो उसके लिए भैया बिल्कुल बिल्कुल सर्विस आपकी फ्री होगी। कोई सर्विस में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लड़के का आने जाने का खर्चा आपको देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये सब नहीं देना होगा, कुछ भी नहीं। तो ये पावर प्रेस मशीन है, इसमें देखो टन के हिसाब से मशीन आती है आपकी। टन क्या होता है, 10 टन हो गया, 15 टन हो गया आपका, 10 टन हो गया, 15 टन हो गया, 20 टन हो गया, इस हिसाब से मशीनें आती हैं। सबके रेट अलग अलग है। हमारे पास पावर प्रेस जो मशीन है फुल सेटअप के साथ आपको 75,000 में तैयार हो जाएगी। 75,000 में रेडी हो जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ भी 150 जोड़ी आप देने वाले हैं? बिल्कुल, इसके साथ भी 150 जोड़ी का रॉ मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा। अब जैसे आ जाता है डबल डाई मशीन, ये डबल डाई मशीन है अपनी, सिंगल डाई में डबल डाई मशीन। कितना इसका प्राइस है? इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, मान के चलिए कोई ज़्यादा नहीं लग रखा। मात्र इसका जो प्राइस मैंने लग रखा है केवल 45,000 रुपये। 45,000? मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ आपको 2 इंची की, मतलब 6 इंची की दो डाई मिलेंगी मशीन के साथ, 45,000 के साथ ही। 45,000 के साथ। स्टैंड भी इसी के साथ रहेगा, कोई अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। मात्र 45,000 में, चाहे यहाँ पर लो, चाहे झारखंड रांची में लो, पटना में लो, या गोरखपुर में लो। बहुत बढ़िया, एक ही रेट। दोस्तों तो एक बार जरूर बोलेंगे कि यहाँ पे आए, विजिट करें और समझे इस बिजनेस के बारे में, उसके बाद इस बिजनेस को जरूर स्टार्ट करें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात देखो, ये जो हमारी जो तैयार हो रही है डबल डाई मशीन, ये डबल डाई मशीन है, ये मात्र आपको हैवी ड्यूटी में, मशीन की लाइफ टाइम गारंटी, मोटर की 1 साल की गारंटी, और जो ये डबल डाई मशीन है, ये डबल डाई मशीन मात्र आपकी 60,000 रुपए की। 60,000? बिल्कुल। वीडियो में दोस्तों ये बोल रहे हैं तो देना होगा सर, ये चीज ध्यान रखें। सर जी, मैं अलग अलग जो ब्रांच खोल रखी है इसलिए नहीं खोल रखी, अगर वीडियो के अंदर झूठ बोलूंगा ना तो मेरी ब्रांच चलेगी कैसे, तो बता दो। बिल्कुल, तो ये चीज ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिल्ली आओ, दिल्ली में तो ऐसा बोल सकते हैं वीडियो के अंदर कि ये बता दी 50,000 बोल, ये बता दी आपको 20,000 रुपए की, आने के बाद GST लग गया, किराया लग गया, ये लग गया, वो लग गया, ठिकाना लग गया, फलाना लग गया, वो चीज हमारे साथ नहीं होगा। बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए उस चीज की। तो दोस्तों एक बार यहाँ पे आए और समझे इस बिजनेस को, बाकी यहाँ पे क्या एड्रेस रहेगा थोड़ा सर बता दें। देखिए, मैंने आपको एड्रेस बता देता हूँ, जो हमारा एड्रेस रहेगा यहाँ का, जो गाजियाबाद का है, दिल्ली NCR का जो हमारा एड्रेस है, वो है हमारा गाजियाबाद लोनी नहर पे, बैठा पुलिया, राधा कृष्ण मंदिर के पास। ठीक है, हमारा जो गोरखपुर का एड्रेस है, गोरखपुर का एड्रेस रहेगा गोरखपुर नौसड़ चौक बागाबीर मंदिर भिलोरा गाँव। ओके, ठीक है, वो भी मंदिर के पास है। उसके बाद हमारा जो रांची का एड्रेस रहेगा, रांची का एड्रेस रहेगा हमारा कुकर चौक, मतलब रांची, मतलब झारखंड रांची, कुकर चौक मदन ढाबे के जस्ट पीछे। बहुत बढ़िया। तो आपको कहीं से लेना है आप यहां से ले सकते हैं। बाकी दोस्तों किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।